अच्छा प्रश्न पूछा है। आज बहुत सारे हिंदू धर्म के अनुयायी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। ये इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में जितना आडंबर है, जितना पाखंड है, जो अंधविश्वास पर आधारित व्यवस्था है, उससे लोग परेशान होकर के बुद्ध की व्यवस्था यानी प्यार की व्यवस्था, ज्ञान की व्यवस्था, आपस में भाईचारे की व्यवस्था, ये बुद्ध धर्म का मेन आधार है। इसलिए लोग करुणा और मैत्री, जो बुद्ध का संदेश है, करुण चित्त वाला समाज, मैत्री भावना रखने वाला समाज, एक दूसरे को प्यार करने वाला समाज बने, वो बुद्ध का समाज है। इसलिए लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म की तरफ आ रहे हैं। बौद्ध हिंदू धर्म में जो जातिवादी व्यवस्था है, यहाँ जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, एक अपने को जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जो व्यवस्था है, ये ऐसे चार मंजिला मकान है जिसमें कोई भी व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है वहीं मर जाएगा। वो ब्राह्मण जन्म में पैदा लेने वाला अगर वो कितना ही गलत आचरण करे, वो शूद्र नहीं बन सकता। शूद्र में पैदा होने वाला कितना ही ज्ञानी हो जाए, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो इस गंदी व्यवस्था को छोड़ करके लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी दलित बहुजन समाज के अलावा बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बुद्ध का धर्म संसार में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये समता की बात करता है, ये बंधुत्व की बात करता है, ये आपस में प्रेम की बात करता है। इसलिए निसंदेह लोगों में आकर्षण तो होना स्वाभाविक है ही। यहाँ जो मानवीय मूल्य हैं, मानव के प्रति जो संवेदना है, वही सर्वोपरि है। मानव मात्र की सेवा करना, उसके उत्थान के बारे में सोचना ही बौद्ध धर्म मानव पर ही केंद्रित धर्म है। ये किसी पराक पर प्रकृति में कोई सुपर नेचुरल पावर में विश्वास नहीं रखते बुद्ध के मानने वाले, कोई ईश्वरवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, किसी देवी देवता में विश्वास नहीं रखते। वो केवल इंसान में व्यवस्था विश्वास करते हैं। इंसान को प्यार करना, इंसान की मदद करना, इंसानियत के रिश्तों को उच्चतम सीमा तक बनाना, ये बुद्ध धर्म का संदेश है। इसलिए लोग बड़े पैमाने में बुद्ध के धर्म की तरफ लोग बढ़ रहे हैं।